राजेश कुमार समाज सेवी क्षेत्र पंचायत सदस्य धनौली आगरा और खलील खान समाज सेवी नरीपुरा आगरा की ओर से सभी देशवासियों को दिवाली एवं भैया दौज की हार्दिक शुभकामना। आगरा में प्रतिदिन एक अनोखा संदेश दिया जाता है जो देशभक्ति की भावना लोगों के ओतप्रोत करता है। करीब 22 वर्षों से लगातार ध्वजारोहण का कार्यक्रम ध्वजारोहण करने वाली अजीत नगर बाजार कमेटी द्वारा पीपल फॉर एनिमल मेनका गांधी की संस्था के रीडिंग ऑफिसर कुलदीप ठाकुर ने खेरिया मोड़ स्थित सेल्फी पॉइंट पर ध्वजारोहण करने पहुंचे। अजीत नगर बाजार कमेटी द्वारा समय नियत प्रतिदिन सुबह 10 बजे राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अजीत नगर बाजार कमेटी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि पिछले 22 महीनों से जो उन्होंने परंपरा चलाई है और ये मेरी समझ से हिंदुस्तान क्या मैं बताऊं पूरे वर्ल्ड की पहली ऐसी परंपरा है जो लगातार अपने समय से पूरी होती चली आ रही है। और मैं आशा करता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि ये लंबे समय तक ऐसे ही अपने समय पे चलती रहे। यहां भारत का पहला ऐसा केंद्र बना है किसी बाजार कमेटी द्वारा चौराहे पर प्रतिदिन निश्चित समय पर राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण किया जाता है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पीएफए रीडिंग ऑफिसर कुलदीप ठाकुर का कहना था कि जिस समय वह तिरंगा फहराते हैं उन्हें वागवट जैसा फील हो रहा था, मानो कि एक सैनिक की तरह वहां भी अपने देश की रक्षा की कोई भूमिका अदा कर रहे हो। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में निरंतर लगातार रखना वाकई अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा कदम है। उन्होंने इस प्रयास के लिए बाजार कमेटी की सराहना की। फीलिंग तो बिल्कुल एक तरीके से बागा बॉर्डर जैसी आ रही थी और मैं बिल्कुल ये मतलब इनको शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए जो इन्होंने अपना एक ऐसा माहौल बनाया है यहाँ पे कि आपको बागा बॉर्डर पूरा यहीं की यहीं पे आ गया और वही जोश वही, क्योंकि अभी तक हमें बस झंडा देखने को 2 दिन के लिए मिलता था, 15 अगस्त 26 जनवरी, लेकिन यहाँ पे डेली हर दिन समय से अपना झंडा देखने को मिलता है और राष्ट्रगान होता है। देश प्रेम न केवल एक दिन का पर्व मनाया जाता है बल्कि हर दिन देशभक्ति की भावना सबके दिल में। इस प्रयास को आगे बढ़ाएं और अजीत नगर बाजार कमेटी नियुक्त नए अतिथि को बुलाकर ध्वजारोहण करती है। 26 जनवरी 2018 से शुरू होकर लगातार जारी है। बाजार कमेटी का मानना है कि देश में सार्वजनिक स्थल क्षेत्रों में बाजार कमेटी इस तरीके के आयोजन केंद्र बनने चाहिए। मैं एक देश प्रेम का संदेश देना चाहता हूँ जो आजकल की जो देश प्रेम की भावना लोगों में कम हो गई है, इसको मैं बिल्कुल जागृत करना चाहता हूँ। ये आजकल स्कूलों में कॉलेजों में जो प्रथा थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो इसको हम लोगों ने एक नई पहल शुरू की है। इसको हम लोग 26 जनवरी 2018 से कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारी पहल जहाँ तक सक्सेस भी हो रही है। हम लोगों ने एक प्रयास किया है देश के सब नागरिकों को जोड़ने का और इसमें हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और आगे भी हम इस प्रयास को जारी रखेंगे। राजीव यादव जी अध्यक्ष जी हैं। आज हमने कुलदीप जी का यहाँ बुलाया था झंडारोहण के लिए जो कि हमारा प्रतिदिन 26 जनवरी 2018 से लगातार चल रहा है। आज कुलदीप जी ने यहाँ आकर हमें धन्य किया है और हम इसी तरह से लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे यहाँ 26 जनवरी से लगातार जो पर डे प्रत्येक दिन झंडारोहण होता है, ये आगे भी इसी तरह से चलता रहे। और हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि सिर्फ अजीत नगर बाजार कमेटी नहीं, हर चौराहे पे हर कमेटी अपना ये एक लक्ष्य धारण करे कि हमें देश के प्रति जो भी थोड़ा सा प्यार मोहब्बत किसी भी तरह से दिखाने का अगर जज्बा रहे तो उसके लिए हम तैयार रहें हर